फ्रेंड्स, तो आज हम 10 रूपक पर यह लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और 10 रूपक का हम दूसरा प्रकाश लेंगे, द्वितीय प्रकाश। और आप सभी अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, टेक्स्ट को भी फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरे जो रेफरेंसेज है उनको मैं दूंगा, उन सबको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो अब हम अपने टेक्स्ट को निकाल लेते हैं, 10 रूपक का दूसरा प्रकाश शुरू करते हैं और दूसरा प्रकाश का प्रथम कारिका निकाल लेते हैं। यहाँ किसका विवेचन है? तो यहाँ नायक का विवेचन है। नायक के विषय में छात्रों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनेक नाटकों का अध्ययन आप सब ने किया हुआ है, जैसे मुद्रा राक्षस पढ़ा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासव दत्तम, और मुझे लगता है गत वर्ष ही आपने उत्तर रामचरितम और मृषकटिकम का अध्ययन किया होगा। तो आप सबको पता होगा कि नायक होता क्या है। तो हमें उस नायक के बारे में काव्यशास्त्र किस तरह से विषय को रख रहा है, काव्यशास्त्र किस तरह से नायक को परिभाषित करता है, नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, नायक के कितने प्रकार होते हैं, नायक के कौन कौन से सहायक हो सकते हैं, यह सारा विषय इसके अंतर्गत आएगा। तो मैं उत्तर रामचरितम को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले दृष्टांत से बात शुरू करते हैं। उत्तर रामचरितम का नायक हमने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं कि राम है, और संपूर्ण उत्तर रामचरितम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको राम के चरित्र के बारे में ज्ञात होगा कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। आप अपने मस्तिष्क में उन विशेषताओं को रख लीजिए, और उसके आधार पर जिन जिन विशेषताओं को मैं बताया जा रहा हूँ उनको आप टैली कीजिए, मिलाते चलिए, देखिए कि वे सारी विशेषताएं जिनको मैं बताने जा रहा हूँ क्या नायक राम में विशेषताएं थी या नहीं। आप दूसरे नाटक को भी ले सकते हैं, चारुदत्त को भी ले सकते हैं मृषकटिकम से, मुद्रा राक्षस से भी आप ले सकते हैं, स्वप्नवासव दत्तम से भी ले सकते हैं उदयन को, और अभिज्ञान शाकुंतलम से आप दुष्यंत को ले सकते हैं। तो हम आते हैं कि नायक देखिए, नियते कथा वस्तु इति नायकः, जो कथा वस्तु का नयन करे, नयन करे का क्या मतलब है, लेकर चले, वह नायक कहला। कथा वस्तु को लेकर चलने का क्या मतलब है? कथा वस्तु को लेकर चलने का मतलब है कि जिसको आश्रय बना करके, जिस पर आधारित हो करके कथा आगे की तरफ बढ़ती है, उसको हम नायक कहते हैं, नयन करने वाला कहते हैं। किसी भी नायक में एक बात, नाटक में विद्यार्थियों की बात ध्यान रखिए, नायक एक ही होगा, दो नायक नहीं हो सकता है। नायक के सहायक हो सकते हैं, प्रतिनायक हो सकता है, लेकिन नायक, मुख्य नायक एक ही होगा। तो 10 रूपकार नेता की क्या परिभाषा देते हैं, नेता शब्द का प्रयोग करते हैं 10 रूपकार, नायक नहीं कहते। यहां हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ नेता का मतलब नायक ही है। अन्य ग्रंथों में, नाट्य शास्त्रीय और साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में नेता के लिए नायक शब्द का प्रयोग किया गया है, और नायक के लिए नेता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या परिभाषा है, कहते हैं, नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः सुचिरवाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा बुद्ध्युत साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः। ये दो कारिकाएं हैं, इन दो कारिकाओं में 10 रूपकार आनंद वर्धन नेता का विवेचन करते हैं, नेता की परिभाषा देते हैं। तो अब इन दो कारिकाओं को एक बार दोबारा आप देखिए क्या कहा गया, और उसको पढ़िए, उच्चारण ठीक होना चाहिए हमारा। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः सुचिरवाग्मी रूढवंशो स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिकः।
जब आप इन विशेषताओं की गणना करेंगे तो ये 22 विशेषताएं बन जाती हैं। आइए इनको देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विनीत, नेता को क्या होना चाहिए? विनीत होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है? मधुरा, मधुर होना चाहिए। मधुर का मतलब है मधुर बोलने वाला भी और व्यवहार रखने वाला, मधुरा। त्यागी, त्यागी का अर्थ हम जानते हैं त्याग करने वाला। दक्ष, दक्ष कुशल। प्रियम वदः, प्रिय बोलने वाला होना चाहिए। रक्त लोकः, जिसमें प्रजा अनुरक्त हो उसको कहते हैं रक्त लोकः। शुचिः, पवित्र। वाग्मी का मतलब है बोलने में कुशल हो, वाक पटु हो। और रूढ़ वंशः, जिसका वंश कैसा हो? रूढ़ हो। रूढ़ वंश मतलब क्या है? प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होने वाला, प्रसिद्ध कुल का व्यक्ति होना चाहिए। स्थिर, निर्णय लेने में स्थिर होना चाहिए। यह नहीं कि वह डबाडोल हो, कभी कुछ निर्णय ले रहा है कभी कुछ ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वह स्थिर होना चाहिए। युवा, युवा होना चाहिए। बुद्धि, बुद्धि बुद्धिमान होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए उसमें कार्य करने के प्रति। स्मृति होनी चाहिए, स्मृति का मतलब है बातें याद होनी चाहिए। प्रज्ञा, बुद्धि को कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान जो है उसको प्रज्ञा कहते हैं। सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन जब वह विशिष्ट रूप में आ जाता है तब उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। कला, विविध कलाएं हैं, उन कलाओं में विशेषज्ञ होना चाहिए। मान, उसका अपना स्वाभिमान भी होना चाहिए। वह और क्या होना चाहिए? शूर, ताकतवर, वीर, बलवान होना चाहिए। दृढ़, दृढ़ का मतलब यहाँ पर जो पहले बात आई है उससे मिलती जुलती है, दृढ़ता होनी चाहिए उसमें। और तेजस्वी, तेज को धारण करने वाला होना चाहिए, तेजस्वी। शास्त्र चक्षुषः, शास्त्र जिसका चक्षु हो, शास्त्र जिसका नेत्र हो उसको हम शास्त्र चक्षुष कहते हैं। तो शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? धार्मिक, वह व्यक्ति धर्म का ज्ञाता होना चाहिए। तो इन विशेषताओं की गणना कीजिए आप, यदि आप गणना करते हैं तो इनकी संख्या बन जाती है 22। और ये 22 गुण जो बताए गए हैं नायक के, इतने ही गुण पर्याप्त नहीं हैं, इनसे भी अधिक गुण हो सकता है। यह उन गुणों को लिया गया है जो निश्चित रूप से नेता में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतने ही गुण एक नेता के लिए पर्याप्त हैं, और जितने भी सद्गुण हो सकते हैं, अच्छे गुण हो सकते हैं, वे सब के सब एक नेता में पाया जाना चाहिए। यह दशरूपकार का अभिप्राय है। अब हम सभी जानते हैं कि दशरूपक में जो कारिकाएं हैं उन कारिकाओं पर उनके भाई धनिक की टीका है जिसका नाम है अवलोक टीका। तो अवलोककार क्या कहते हैं? नेता नायको बिन्याद गुण संपन्नो भवतीति, अर्थात नेता का मतलब ऊपर जो शब्द आया है उसका अर्थ है नायक। नेता कह भवती, नेता नायक भवती ही। और स नायक बिन्याद गुण संपन्नो भवती, उपरोक्तेषु गुणेषु संपन्नो भवती। एके गुणः सन्ति, विनीतः, मधुरः, त्यागी इत्यादि जो गुण बताए गए हैं, इन सब गुणों से वह संपन्न होता है। तो ये 22 गुण नेता के बताए गए हैं। और अनेक सारे इन गुणों के बारे में आचार्यों ने भी काफी परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को भी हम दे सकते हैं। तो नेता को अत्यंत विनम्र होना चाहिए। विनम्रता का अत्यंत सुंदर लक्षण भाव प्रकाश में दिया गया है। विनम्रता किसे कहते हैं? अब इसको नोट डाउन करना चाहें आप तो कर लीजिए, भाव प्रकाश से मैं दे रहा हूं आपको ये। विनयो लोक मर्यादा शास्त्रार्थ अनतिलंघनम भवति विनयः। किम नाम?
विनय किम नाम विनयः, तो विनयः भवति लोक मर्यादा शास्त्रार्थान अनलंघितम्, अर्थात जो लोक मर्यादा है, संसार में एक मर्यादा होती है कि आप किसको क्या करना चाहिए और किसको न्या कर नहीं करना चाहिए, सारी बातें शास्त्र में नहीं लिखी होती। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सीखते हैं व्यवहार से, तो व्यवहार से जिन अच्छे गुणों को सीखते हैं हम, उसको हम कहते हैं लोक मर्यादा। तो लोक मर्यादा हो गया। दूसरा, शास्त्र के अर्थ, शास्त्रार्थ अर्थात शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांत, शास्त्र में बताए गए नियम, शास्त्र में बताए गए विधि, इन दोनों का जो उल्लंघन नहीं करता है वह विनम्र कहलाता है। अब देखिए विनम्र की एक परिभाषा हम क्या लेकर चलते थे पहले, कि विनम्र वह है जिसमें विनम्रता है, जो सबकी बातें सुनता है। नहीं, यह ध्यान रखना है, यहाँ विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि सबकी बातें सुन लें, यहाँ विनम्रता से तात्पर्य है लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने वाला, जो लोक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ लोक मर्यादा का। लोक मर्यादा है कि स्त्रियां हमारे लिए पूजनीय होती हैं। अब यह कहाँ, शास्त्र में भी हो सकता है, लेकिन हम अपने कुल खानदान परिवार समाज से सीखते आते हैं कि स्त्रियां हमारे लिए पूजनीय हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं। तो इसके लिए एक आदमी को, साधारण आदमी को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह लोक से सीख सकता है, लोक से सीखता है और इसका पालन करना चाहिए। तो यह विनम्रता है, विनम्रता की कैटेगरी में आया। अब शास्त्र में आ जाइए, तो शास्त्र में अनेक बातें बताई गई हैं, बहुत सारी विधि विधानों का निरूपण किया गया है। पिता का क्या कर्तव्य है, अध्यापक का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, ये सारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो शास्त्र में बताए गए उन नियमों का पालन करना ही विनीत है, विनम्रता है, उनका उल्लंघन नहीं करना विनम्रता है। दूसरा क्या है, दूसरा लक्षण में क्या था, मधुरः। मधुर से जो 10 रूपकार अर्थ देते हैं, मधुरः प्रियदर्शनः, यहां उनका अर्थ है प्रियदर्शन, जो देखने में सुंदर लगता है, जो देखने में आकर्षक लगता है, उसको हम मधुर कहते हैं। और शारदा तनयने, भाव प्रकाशकार के रचनाकार हैं शारदा तनय, तो भाव प्रकाशकार ने माधुर्य की एक अत्यंत सुंदर परिभाषा दी है, वो है चेष्टिता लाप स्पर्शा नाम स्पर्शनीयता स्पृशनीयता माधुर्यम। माधुर्य क्या है, चेष्टित आलाप स्पर्शा नाम, मतलब उसकी चेष्टा, जो व्यवहार करता है, जो आचरण करता है, उस आचरण में माधुर्य दिखाई दे। आलाप, आलाप का मतलब है बातचीत करने में, जो अत्यंत सरल मधुर हो। और तीसरा उन्होंने कहा स्पर्शा नाम स्पर्शनीयता, स्पर्श करने में कोमल हो, स्पर्शनीय हो, प्रशंसनीय हो, उसको हम माधुर्य कहते हैं। तो इस प्रकार माधुर्य से मतलब हम तीनों को निकालें, मिलाकर चलें, तो अर्थ आता है कि जो आकर्षक हो, जो प्रिय दर्शन हो, देखने में सुंदर हो, उसको मधुर कहते हैं। तीसरा लक्षण क्या है, त्यागी। त्यागी के बारे में रूपकार क्या कहते हैं, उनके भाई धनिक क्या कहते हैं, सर्वस्वदायक त्यागी, जो कुछ दान देने के लिए तैयार रहता है वह त्यागी कहलाता है। और सकता है तो वह शरीर का भी दान कर दे, ऐसा व्यक्ति त्यागी कहलाता है। बहुत सारे उदाहरण ये हैं, मैं उन उदाहरणों को नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी और एक ही प्रकरण में हम 2-3 दिन लगाएंगे, क्योंकि फिर उदाहरण में श्लोक दिया हुआ है आपकी किताब में, श्लोक का फिर अर्थ करना पड़ेगा, विवेचन करना पड़ेगा, तो आप उन सबको देखते चलिएगा। तीसरा क्या है, दक्षः, त्यागी के बाद में तीसरा क्या आया है, दक्षः, जो किसी भी काम को करने में दक्ष हो, क्षिप्रकारी। 10 रूपक के भाई धनी किसका लक्षण करते हैं, क्षिप्रकारी, जो किसी भी काम को करने में
तेज हो, शीघ्रता करता हो, विलंब नहीं करता हो कि तब कल करूंगा परसों करूंगा, अभी निर्णय लिया तो अभी उसमें लग जाए, ऐसे व्यक्ति को क्षिप्रकारी कहा गया है। तो दक्ष पांचवा लक्षण क्या है, प्रियम वदः, प्रियम वदति इति प्रियम वदः, प्रिय बोलने वाला जो मधुर भाषण करता है उसको हम प्रियम वद कहते हैं। अगला है रक्त लोकः, रक्त लोकः का अर्थ है जो अपने आचरण और व्यवहार से प्रज्ञा में प्रजा में लोकप्रिय हो उसको हम रक्त लोक कहते हैं, जो अपने आचरण से अपने व्यवहार से जनता को लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसा व्यक्तित्व रक्त लोक कहलाता है। उसके बाद क्या विशेषण है, सुचि, सुचि का अर्थ है पवित्र होना, पवित्रता से क्या तात्पर्य है, मन से पवित्र होना। देखिए शारीरिक रूप से पवित्रता तो लोग वैसे कर लेते हैं, नहा करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, आभूषणों को पहन करके पवित्र दिख सकते हैं, लेकिन नेता के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। तो मन की पवित्रता होनी चाहिए, मल मल की निर्मलता होनी चाहिए, जब मल निर्मल होगा तब क्या होगा, काम आदि दोषों से अभिभूत नहीं होगा वह व्यक्ति। तो इसलिए कहा तत्र शौचम नाम मनो नैर्मल्यादिना कामाद्यन अभिभूतत्वम्, मन की पवित्रता के कारण काम आदि वासनाओं से जो अभिभूत नहीं होता है वह पवित्र कहलाता है, शुचि कहलाता है, यह नेता में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वाग्मी, वाग्मी का क्या अर्थ है, चतुराई युक्त वार्ता करने वाला व्यक्ति वाग्मी कहलाता है, जो चतुरतापूर्ण बात करे, बहुत सहजता सरलता से अपनी बात को रख दे, वार्ता करने में जो कुशल है वह वाग्मी कहलाएगा। तो नायक के लिए वाग्मी होना भी जरूरी है। रूढ़ वंश, रूढ़ वंश का मतलब है उच्च तथा प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति रूढ़ वंश कहलाता है, जैसे राम का वंश सूर्य वंश है, इसी तरह धृतराष्ट्र या युधिष्ठिर अर्जुन इत्यादि का वंश भरत वंश है। तो ये कैसे वंश है, उच्च वंश है, प्रसिद्ध वंश है, तो ऐसे वंश में उत्पन्न होने वाला। स्थिर, स्थिर का मतलब हमने चर्चा किया है अभी, क्या है, दृढ़ रहने वाला, मतलब मन वाणी और कर्म से जो चंचल न हो वह स्थिर है। औलूक कारणे क्या विवेचन किया है, स्थिरो वांग मनः क्रिया विरचलः, जो वाणी मन और कर्म से चंचल न हो स्थिर रहे वह स्थिर कहलाता है। युवा आप जानते हैं नायक वृद्ध नहीं होना चाहिए, नायक हमेशा आकर्षक हो, और आकर्षक हो कब रहेगा, जब वह युवा रहेगा। इसकी अगली विशेषता क्या है, बुद्धि हो नायक में, बुद्धि का अर्थ ज्ञान है, उत्साह आप जानते हैं काम करने के प्रति उत्साह होना चाहिए, उत्साह नहीं होगा तो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, तो उत्साह होना चाहिए। स्मृति, स्मृति का मतलब है पुरानी बातों को, पहले कही हुई बातों को याद रखने वाला होना चाहिए, जो उन बातों को याद नहीं रखता है उनको स्मृतिवान नहीं कहते हैं, तो स्मृति होना चाहिए। और प्रज्ञा, प्रज्ञा का क्या तात्पर्य है, गृहीत विशेष करी तु प्रज्ञा, गृहित ज्ञान में विशेषता उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा होती है, जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान में आपने और विशेषताएं ला दी, तो आपने शास्त्र में पढ़ा एवं करणीयम भवति और आपने वैसा ही किया, और दूसरा एवं करणीयम भवति ऐसा तो आपने पढ़ा लेकिन उसमें और आपने जोड़ दिया, और जोड़ करके उसको और विशिष्ट बना दिया, तो ऐसे ज्ञान को हम प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए औलोककार कहते हैं गृहीत विशेष करी तु प्रज्ञा, जो आपने ग्रहण किया है उसमें विशेषता उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा होती है, वैशिष्ट आधान करने का काम प्रज्ञा के द्वारा किया जाता है। और क्या है, कला,
कला आप जानते हैं, विविध कलाएं हैं, वाद्य कला है, गायन कला है, 64 कलाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, तो उन कलाओं का वह जानकार होना चाहिए। मान उसके उसमें मान मान का मतलब है स्वाभिमान होना चाहिए। यदि वह स्वाभिमानी नहीं है तो वह नेतृत्व नहीं कर पाएगा, इसलिए जरूरी है कि स्वाभिमानी। फिर शूर वीर को कहते हैं, लोग जानते ही हैं, कोई खास विवेचन नहीं है यहाँ पर। दृढ़ स्थिर रहने वाला, निर्णय लिया उस पर टिका रहने वाला व्यक्ति दृढ़ कहलाता है। तेजस्वी और शास्त्रज्ञ हमने अभी चर्चा की है, शास्त्रज्ञ वह है जो शास्त्र को जानता है, और शास्त्र को जानता ही नहीं है, वह शास्त्र को चक्षुष बना लिया है। चक्षुष का मतलब है शास्त्र को जिसने अपना नेत्र बना लिया, शास्त्र रूपी नेत्र से ही जो देखता है वह शास्त्र चक्षुष है। और धर्म का पालन करने वाला धार्मिक, तो इन 22 गुणों से युक्त नेता होता है। इन 22 गुणों से जो युक्त पात्र दिखेगा आपको नायकों में, उसको आप नेता कह सकते हैं। अब यदि हम उत्तर रामचरितम की बात करें कि उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जितने गुण यहाँ बताए गए हैं सारे के सारे गुण हमें राम में मिलता है। उत्तर रामचरितम का एक ही पात्र है राम, जिसमें सारे के सारे गुण मिलती हैं। इसलिए हम राम को उस नाटक का, उत्तर रामचरितम का नायक कहते हैं। इसी तरह अभिज्ञान शाकुंतलम ले लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कीजिए और इन गुणों को देखिए, तो वहाँ एक पात्र है दुष्यंत, जिसमें ये सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। तो वह दुष्यंत क्या हुआ, वह दुष्यंत नाटक का नायक कहलाएगा। और उनके अलावा जितने पात्र हैं वे सारे के सारे पात्र या तो सहायक पात्र कहलाएंगे, वे नायिकाएं हैं, या प्रतिनायक हैं, सहयोगी पात्र हैं। तो इस तरह 10 रूपकार ने नायक का विवेचन किया है। नायक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बच्चों को इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। इन 22 में 22 के गुण यदि आपने याद कर लिए तो आपने सच में बहुत अच्छा काम कर लिया, और यदि 22 के 22 गुण याद नहीं है तो इनमें से कम 2-4 गुण तो अवश्य ही याद कर लेना चाहिए और विवेचन करना चाहिए। वैसे 22 के 22 गुण आपके लिए आवश्यक है करना। अब मैंने जैसे शुरू में ही आपको बताया था कि ये 22 जो गुण हैं ये पर्याप्त नहीं है, इनके अतिरिक्त भी गुण हो सकते हैं। तो आप जब जाएंगे नाट्यशास्त्रीय दूसरे ग्रंथों को पढ़िए, भाव प्रकाश को पढ़िए, श्रृंगार तिलक को पढ़िए, नाट्य दर्पण को पढ़िए, तो वहाँ और भी विशेषताएं बताई गई हैं। लेकिन 10 रूपकार ने क्या किया है, उन समस्त विशेषताओं को एक साथ कंपाइल करने का प्रयास किया है, वो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब ये 22 गुण जिस नायक में विद्यमान है वह नायक उत्तम नायक कहलाएगा, ध्यान रखिए। क्योंकि हम अभी बताने जा रहे हैं आपको कि नायक का गुण के आधार पे 3 प्रकार है, और वो कौन कौन सा प्रकार है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो जिस नायक में ये 22 गुण सामान्य गुण हैं, ये 22 सामान्य गुण पाए जाते हैं या इनसे भी अधिक गुण पाए जाते हैं, वे नायक उत्तम कोटि के नायक कहलाते हैं। और जिनमें इन 22 गुणों से कम गुण पाए जाते हैं, कुछ कम हो सकता है, 2-4, कोई सीमा नहीं बताई गई है कि कितने कम होंगे, लेकिन 2-4 कम हो सकते हैं, यदि इनसे कम गुण पाया जाए तो वह नायक मध्यम कोटि का नायक कहलाएगा। और जिन नायकों में इन 22 गुणों में से 2-4-5-7 कम गुण पाए जाते हैं, उन नायकों को अधम कोटि का नायक कहा जाता है। तो इस तरह सामान्य गुण के आधार पे नायक के कितने भेद हो गए,
तीन भेद, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम कोटि का नायक वह है जिसमें सर्वाधिक गुण पाया जाता है, 22 के 22 गुण पाए जाए 10 प्रकार के अनुसार। और यदि नाट्य शास्त्र की बात करें तो हम कहेंगे अधिक से अधिक गुण पाया जाता है, वह उत्तम कोटि का नायक है, जिनमें गुणों में मध्यम श्रेणी तक अर्थात न बहुत कम न बहुत अधिक गुण पाया जाए, वह नायक मध्यम कोटि का हुआ, और जिनमें बहुत कम गुण पाए जाते हैं वह अधम कोटि का नायक है। तो एक विभाजन क्लियर हो गया। अभी तक हमने दो बातें पढ़ ली, कौन कौन सी बातें पढ़ी? एक तो एक क्लियर हो गया कि नायक के 22 लक्षण बताए हैं 10 प्रकार, और नायक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी हमने देख लिया। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तम, मध्यम और अधम। अब चलिए, आप सबने पढ़ा होगा, बच्चों को शंका हो रही होगी कि नहीं हमने तो कोई और प्रकार पढ़ा है, उसकी चर्चा नहीं हुई। अब हम आ रहे हैं, ये तो साधारण गुण के आधार पर है जो 22 गुण बताए गए हैं, अब विशेष गुण के आधार पे नायक का भेद किया जा रहा है, और वह भेद 4 प्रकार का है। लिख लीजिए, नायक का विभाजन 4 प्रकारों में किया गया है। आप सभी नाम जानते भी होंगे, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। इनमें कोई क्रम नहीं है, आप जिस क्रम में भी लिखें चल सकता है। आप लिख सकते हैं धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोधत्त, ये भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब आइए, ये कारिका 3 पर पहुंच जाइए। आप 10 रुपए की कारिका 3, जहां पर क्या लिखा हुआ है, नेत्र विशेषानाह, नेता के विशेष गुणों के आधार पर भेद बता रहे हैं, और वो क्या है, भेदैश चतुर्धा। भेद कितने प्रकार के हैं? चतुर्धा, 4 प्रकार के भेदों के आधार पर नायक कौन कौन से हैं? तो ललित, शांतो, दातो, धतैरयम्, अर्थात ललित, शांत, उदात और उद्धत, इसी के आधार पे क्या क्या बन गया, तो धीर ललित। पहला शब्द देखिए क्या है, ललित, इसमें धीर जोड़ दीजिए। धीर शब्द हर नायक भेद में आएगा, तो ललित के साथ धीर जोड़ देंगे तो क्या बन गया, धीर ललित बन गया, और धीर के साथ शांत जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, धीर शांत या धीर प्रशांत। यह नायक का दूसरा भेद हो गया। पहला भेद हुआ धीर ललित, दूसरा भेद हुआ धीर प्रशांत या धीर शांत, तीसरा भेद धीरो दत्त, उदात्त है ना, उदात्त के साथ हम धीर लगा देंगे तो धीरो दत्त बन जाएगा, और उद्धत, धीरो धत्त। यह नायक का 4 प्रकार हो गया। आप इनके क्रम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई भी क्रम आप ले सकते हैं वो सही माना जाएगा। अब 10 रूपककार ने क्या क्रम लिया है उस पर आ जाते हैं हम। तो 10 रूपककार ने जैसा यहां पर दिया है ललित शांतो, उसी तरह से यहां पर उन्होंने पहला लक्षण धीर ललित नायक का ही किया है। तो धीर ललित नायक का क्या लक्षण किया, देखिए, यथोदेशम लक्षण माह। अब लक्षण बताते हैं, क्या लक्षण है धीर ललित का, तो निश्चिंतो धीर ललित, कलासक्त सुखी मृदु। फिर से देखिए, निश्चिंतो धीर ललित, कलासक्त सुखी मृदु, क्या अर्थ निकला, तो निश्चिंत, कला में आसक्त रहने वाला, सुखी और मृदु व्यवहार वाला, कोमल व्यवहार वाला, सरल व्यवहार वाला नायक ललित, धीर ललित कहलाता है। वह नायक क्या कहलाएगा, धीर ललित कहलाएगा। अवलोककार क्या कहते हैं, देखिए नीचे की पंक्ति जहां पर अवलोककार की बात आती है, अवलोककार कहते हैं, सचिवादि विहित योग क्षेमत्व
चिंता रहितः, नायक के बारे में कहा ना निश्चिंतः अर्थात चिंता रहितः भवति, धीर ललितः नायकः चिंता रहितः भवति। कथम चिंता रहितः भवति? तदा अवलोककारः कथयति। कस्मात् कारणात् चिंता रहितः भवति? यतो हि सचिवादी विहित योग क्षेमत्वात्। उसका जो योग और क्षेम का कार्य है वो कौन करता है? उसका मंत्री करता है, सचिव करता है, इसलिए निश्चिंत हो जाता है। अपने सारे कार्यों को अपने मंत्री के ऊपर छोड़ करके वह निश्चिंत हो जाता है, और निश्चिंत होकर क्या करता है? कला आसक्त, कला में आसक्त हो जाता है। वीणा बजाने में मस्त हो जाएगा, शिकार खेलने में मस्त हो जाएगा, नृत्य कला में मस्त हो जाएगा, जो भी कलाएं हैं उन कलाओं में वह नियत हो जाता है और आनंद लेता है, इसलिए सुखी भी रहता है। उसको चिंता नहीं है कि राज्य का क्या होगा। तो निश्चिंत धीर ललित कलासक्त सुखी, और अंतिम विशेषण क्या है? मृदु कोमल स्वभाव का होता है, सुकुमार चरित्र वाला होता है। हम क्या पाते हैं यहाँ धीर ललित नायक के की चार विशेषताएं बताई गई। वो कौन कौन सी चार विशेषताएं हैं? निश्चिंत, कलासक्त, सुखी और मृदु। अवलोकार कहते हैं कि निश्चिंत रहता है, अतएव गीत आदि कला विशिष्ट हो, इसलिए गीत आदि कला में संलग्न हो जाता है। और सुखी क्या है? भोग प्रमण, भोग प्रमण है, भोग में नियत है, तत्पर है, इसलिए वह क्या है? सुखी है। और श्रृंगार का प्रधान है, श्रृंगार में संलग्न रहता है, इसलिए वह सुकुमार सत्वाचारो मृदुरुति ललित, सुकुमार आचरण वाला होता है, कोमल स्वभाव वाला होता है। इस तरह इन चार गुणों से युक्त धीर ललित नायक नाटकों में मिलता है। तो चार गुण कैसे गुण हुए? तो ये गुण ऐसे हैं जो नायक की नायक के विशिष्ट गुण है। साधारण गुण वो 22 गुण थे, और ये कौन से गुण हुए? विशिष्ट गुण हुए। इन विशिष्ट गुणों से युक्त रहने वाला नायक ही धीर ललित नायक कहलाता है। यहाँ आप चाहें तो साहित्य दर्पण में भी धीर ललित नायक की विशेषता देख सकते हैं। वहाँ इनका लक्षण है निश्चिंतो मृदुरनिशम कला परो धीर ललित स्यात्। केवल शब्दावली का अंतर है साहित्य दर्पण में। आचार्य विश्वनाथ ने 10 रूपाकार के मत को एज इट इज ले लिया है, और केवल शाब्दिक परिवर्तन किया है। निश्चिंत वहां भी आया, यहाँ भी आया निश्चिंत। मृदु सरल स्वभाव का, कोमल स्वभाव का, अनिशम सदा। कला परो वहां पर भी आया था कि वह कला में निरत रहता है। कला पर धीर ललित स्यात्, धीर ललित होता है। अब यदि हम इनको देखें तो इसके आधार पर आप यदि नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कि धीर ललित नायक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता निश्चिंत, चिंता से रहित, कला आसक्त, विविध प्रकार के कलाओं में आसक्त रहने वाला नायक कलासक्त है, भोग में लीन होने के कारण। तीसरी विशेषता हो गई सुखी, तो भोग में लीन होने के कारण वह सुखी होता है, और मृदु का अर्थ है कोमल स्वभाव वाला होता है। तो इस तरह यह धीर ललित कोटि के नायक का लक्षण हुआ। अब देखिए इस नायक में नायक के सामान्य गुण तो विद्यमान रहेंगे जो पहले बताए गए हैं। उन सामान्य गुणों के अतिरिक्त ये चार विशेष गुण होने चाहिए। जब चार विशेष गुण हैं तब वह नायक किस कोटि में आ जाएगा? धीर ललित कोटि में आ जाएगा। अब नायक की दूसरी विशेष दूसरा देख लीजिए, धीरोधत्त, नाम से ही पता चल रहा है, उद्धत, उद्धत शब्द अधिकतः जो हड़बड़ी करने वाला है, उदंड प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं। तो आचार्य धनंजय इसकी क्या परिभाषा देते हैं उसको आपकी किताब में धीर ललित के बाद शांत का
लक्षण किया है, धीर प्रशांत का लक्षण, तो हम धीर प्रशांत में पहले आ जाते हैं। सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिक, मतलब ये हुआ कि सामान्य गुण से युक्त तो रहेगा ही, जो 22 सामान्य गुण है वो तो होना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त द्विजादिक, द्विज ब्राह्मण जाति का, यहाँ जातीयता की बात हो गई, ब्राह्मण जाति का यदि नायक है तो वह धीर शांत होगा। प्रश्न उठता है कि आदि का क्या अर्थ है यहाँ पे, आदिक शब्द या ना आदि का है, तो आदि का यहाँ वणिक है, और अवलोकार इसीलिए कहते हैं कि विप्र वणिक सचिवादि नाम, यहाँ एक और शब्द जोड़ देते हैं वो सचिव, तो जिस नायक नाटक का नायक विप्र हो, जाति से ब्राह्मण हो, जाति से वणिक हो या सचिव हो, तो ऐसा नायक धीर प्रशांत या धीर शांत नायक कहलाता है। जाति के अलावा नायक के जो सामान्य गुण बताए गए हैं वे सारे के सारे गुण इनमें होते हैं। तो कहता है कि अवलोक का पूरा देखिए, विनयादि नेत्र सामान्य गुण योगी धीरो शांतो जादि का इति, मतलब विनय नेता विनीतो मधुरस्त्या की जो पहली कारिका है या दूसरी कारिका, तो उसको लेकर के उन सामान्य गुणों से युक्त रहने वाला धीर शांत कोटि का नायक होता है, और जाति से वह द्विजादिक होता है, और द्विजादिक का क्या अर्थ है, विप्र वणिक या सचिव, इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकता है, वह धीर प्रशांत कोटि का नायक कहलाता है। तो धीर प्रशांत धीर प्रशांत का हो गया। आचार्य विश्वनाथ का लक्षण देखिए क्या करते हैं, सामान्य गुणैर भूयान द्विजादिको धीर शांत स्यात्। आप अधिकांश स्थलों पर देखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ है 10 रूप काल का एक तरह से कॉपी जैसा कर ले रहे हैं, बात भी सही है, बहुत कुछ नाट्यशास्त्र डेवलप हो चुका है यहाँ तक, तो बहुत कुछ अलग से कहने के लिए रह नहीं जाता है, इसलिए वे शब्दावली का परिवर्तन करके एक नई परिभाषा देते हैं जिनमें कोई तथ्यात्मक अंतर नहीं होता है। तो कहते हैं सामान्य गुणैर भूयान द्विजादिको धीर शांत स्यात्, सामान्य गुणों से युक्त होना चाहिए और द्विजादि होना चाहिए, वही बात आ गई। और उन्होंने उदाहरण दिया मालती माधव का, माधव ब्राह्मण जाति का नायक है। अब यहाँ दो बातें हमारे दृष्टि से विचारणीय है धीर प्रशांत नायक के विषय में, विनम्रता आदि सामान्य गुण को धारण करने वाला तो होता ही है, ब्राह्मण वणिक और सचिव में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ जातीयता का प्रश्न जो खड़ा हुआ, जातिगत वैशिष्ट्य की जो बात आ गई, ये थोड़ा हम समझ नहीं पाते कि जातीयता की बात 10 रूपकार ने केवल धीर प्रशांत नायक के लक्षण में ही क्यों किया, धीर प्रशांत नायक के लक्षण में ही जातीयता क्यों है, धीर ललित में तो नहीं कहा, धीरोदात्त में नहीं कहा, हम पढ़ेंगे अभी, धीरोधत्त में नहीं कहा, केवल और केवल कहां कहा, तो धीर प्रशांत में कहा, ऐसा क्यों। यदि हम विवेचन करें, देखें परंपराओं पर विचार करें, तो हम कहां पहुंचते हैं, हमें पता चलता है कि जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में माना जाता है कि जो द्विज है वह कैसा है, वह द्विज शांत प्रवृत्ति का होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना मृषकटिकम, मृषकटिकम का नायक चारुदत्त है, अब देखिए उस पर उसकी शांतता पर विचार कीजिए, वो कैसा विनम्र शांत और परोपकारी प्रवृत्ति का नायक है, उसके घर में चोरी होती है और चोरी होने के बाद वह दुखी होता है क्योंकि चोर उसके घर में आया लेकिन उस चोर को उसके घर में कुछ नहीं मिला, वह बिना किसी कारण के परिश्रम किया, घर में सेंध लगाया और सेंध लगाने के बाद प्राप्ति के नाम पर कुछ नहीं हुआ, तो नायक यहाँ दुखी हो रहा है, यह उसकी उदारता का उदाहरण है। तो यहाँ
इस कारण से हो सकता है दस उपकार ने दिया है। लेकिन जब हम नाटकों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे नाटक हैं संस्कृत में, तो ऐसी बात नहीं है। कई जगह क्षत्रिय वर्ण के नायक हैं वो भी धीर ललित कोटि के बन जाते हैं, धीर प्रशांत कोटि में हमें दिखते हैं। तो यह एक अन्वेषण का विषय बन जाता है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, शास्त्रों को देखने की जरूरत है कि अन्यत्र दस उपकार ने धीर प्रशांत जाति का संबंध नहीं जोड़ा, केवल और केवल यहाँ जोड़ा। अन्य जगहों पर हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्षत्रियों को नेता बनाना चाहते हैं, सारे के सारे गुण जो है क्षत्रिय वर्ण में विद्यमान है। इसलिए चलिए, तो ये हो गया आपका धीर प्रशांत का। अब धीरोदात्त, धीर और उदात्त, उदात्त शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, उच्च कोटि का, जिसमें औदार्य का भाव भरा हो वह कहलाता है धीरोदात्त। वह नायक कौन है, उसके विशिष्ट गुण क्या है? सामान्य गुण तो हमने पढ़ लिया, विशिष्ट गुण क्या है? तो दस रूपकार कहते हैं, महासत्वो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगुणांकारो धीरोदातो दृढ़व्रत। फिर से उच्चारण पर भी ध्यान देना है, देखिए क्या लिखा है, महासत्वो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरदातो दृढ़व्रत। अब इसका आप अर्थ लगा लीजिए, महाशत्व का क्या अर्थ है? तो विशाल अंतःकरण वाला व्यक्ति महाशत्वशाली कहलाता है, जिसका अंतःकरण अत्यंत विशाल हो तो वह महाशत्वशाली कहलाएगा। अति गंभीर, समुद्र के समान जिसमें गंभीरता हो वह अति गंभीर कहलाता है। और क्षमावान, छोटी छोटी गलतियों को माफ करने वाला क्षमावान कहलाता है। और अविकथन, यहां पर एक ध्यान दीजिए, यहां संधि की गई है, क्षमावान विकथन। जब आप संधि भेद करते हैं तो पाते हैं कि यहां पर अविकथन शब्द है। अविकथन का क्या अर्थ है? अविकथन का अर्थ है कि यहां वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, अपनी तारीफों की पुल स्वयं नहीं बांधता है, ऐसा है वह नायक है। इसीलिए उसको हम अविकथन कहते हैं, अपनी तारीफ स्वयं ना करने वाला। ठीक है, तो अब दस रूपक के जो व्याख्याकार अवलोककार हैं वे क्या बताते हैं, उस पर आ जाइए। महासत्व का क्या लक्षण करते हैं, क्या विवेचन करते हैं? तो कहते हैं, शोक क्रोधाध्यन भूतांत सत्व। छोटी मोटी बातों से, शोक से, क्रोध से जो अभिभूत नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, वह महासत्व कहलाता है। अविकथन अनात्म श्लाघन, जो अपनी प्रशंसा स्वयं न करता हो वह अविकथन कहलाता है। निगूढ़ाहंकार का मतलब है विनय छन्नावलेप, विनम्रता के कारण उसका जो स्वाभिमान है वो भी छुपा रहता है, गर्व नहीं करता, घमंड नहीं दिखाता है, अपने अहंकार को छुपाए रखता है, यह अहंकार होता ही नहीं विनम्रता के कारण। दृढ़व्रता का क्या अर्थ है? अंगीकृत निर्वाहक, जिस चीज को उसने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसका निर्वाह करने वाला, उसको उसका पालन करने वाला कहलाता है दृढ़व्रता। और इन सब गुणों को धारण करने वाला नायक धीरोदात्त कहलाता है। उदाहरण दीजिए धीरोदात्त नायक का। तो जब आप उत्तर रामचरितम में पढ़ते हैं, राम उसके नायक हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो अब आप बताइए कि वो जो नायक है उत्तर रामचरितम का, राम, वह किस कोटि का आएगा? अभी आपने
धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदात्त, तीन कोटि के नायकों के बारे में आपने पढ़ लिया। इन तीनों में हम यदि स्टडी करें, देखें, तो राम किस कोटि के नायक हैं, यह आप निर्णय कीजिए। ये सारे के सारे गुण इन तीनों में से धीर ललित के, धीर प्रशांत के और धीरोदात्त के क्या कौन किसके गुण राम में पाए जाते हैं, इसको जानने की जरूरत है। धीर ललित नहीं, किसी भी कला में राम आसक्त नहीं है, अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को किसी और पे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वे धीर ललित नहीं है, द्विजादिक नहीं है। सामान्य गुण तो है ही है, लेकिन द्विजादिक नहीं है, इसलिए वे धीर प्रशांत में भी नहीं आते हैं। और धीरोदात्त के सारे गुण हैं, अति गंभीर है, महासत्व हैं, अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते हैं, स्थिर हैं, निगुण अहंकार वाले हैं। तो इस तरह राम किस कोटि के नायक हो गए, धीरोदात्त कोटि के नायक हो जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ का हम लक्षण देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ इसके बारे में, धीरोदात्त कोटि के नायक के बारे में क्या कहते हैं। तो धीरोदात्त के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ का कोई मत हमें स्पष्ट, जो 10 रूपकार का मत है, वही आचार्य विश्वनाथ का भी मत है। उन्होंने कोई बहुत अंतर नहीं किया है, सेम दोनों में चल रहा है। अब आइए अगला है, दूसरा अगला बचा हमारा धीरोधत्त कोटि का नाम। अब यहाँ देखिए नाम उद्धत, जिसमें उदंडता है, उसको हम धीरोधत्त कहते हैं। 10 रूपकार उसका क्या लक्षण देते हैं, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठ माया छद्म परायण, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठ माया छद्म परायण, धीरोधतस्तु अहंकारी चलश्चंडो विकथन। दर्प माप, दोबारा देखिए एक बार, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायण, धीरोधतस्तु अहंकारी चलश्चंडो विकथन। अर्थात जिसमें दर्प है, दर्प का मतलब है चूर रहने वाला, जो होता है उसको हम दर्प वाला कहते हैं। यहाँ दर्प से मतलब है मद में चूर रहने वाला, मात्सर्य ईर्ष्या करने वाला, दूसरे के विकास को, दूसरे के प्रति को किसी रूप में जो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वह हमारे गुण है। अब फूट फूट कर भरा है ईर्ष्या का भाव जिसमें, तो दर्प मात्सर्य भूयिष्ठ बहुत अधिक मात्रा में, माया छद्म परायण, माया मायावी है, छद्म कपट करने वाला है, परायण मतलब माया और कपट करने में वह निपुण है, परायण। अहंकारी धीरोधतस्त्व अहंकारी, और क्या है, अहंकारी है। चल, चल का मतलब है चंचल, और चंड का मतलब है क्रोधी, चंड का मतलब क्रोधी और चल का मतलब चंचल, स्थिर नहीं रहने वाला, धीरो दात से एकदम उल्टा हो रहा है यहाँ पर। और विकथन, अपनी तारीफ खुद ही करने वाला होता है वह। तो हम क्या पाते हैं कि धीरोधत्त कोटि के नायक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा रही हैं, दर्प मात्सर्य माया छद्म अहंकार चल चंड विकथन, ये 8 गुण हैं, विशेष गुण जो धीरोधत्त कोटि के नायक में पाए जाते हैं। जिन नायकों में ये 8 गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं, वे नायक धीरोधत्त कोटि के नायक कहलाते हैं। अब विचार कीजिए कौन हो सकता है इस तरह का नायक। तो यदि कहीं रावण को पात्र बनाया जाए, नायक बनाया जाए, तो रावण किस कोटि का नायक बनेगा, धीरोधत्त कोटि का नायक बनेगा। दुर्योधन को यदि नायक बनाया जाता है किसी नाटक में, तो कैसा बनेगा,
वह भी धीरोधत्त कोटि का नायक होगा। इसी तरह यदि भीम को नायक बनाया जाए, जैसे एक नाटक है जिसमें भीम है, वेणी संहार का नायक भीम है, तो भीम किस तरह का नायक है? वह भी धीरोधत्त कोटि का ही नायक है भीम। तो इस तीन गुणों से युक्त जो नायक है उसको हम धीरोधत्त कोटि का नायक मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं अब उस पर देख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ का कहना, माया पर प्रचंडश्चपलो अहंकार दर्पभूयिष्ठः आत्मश्लाघा निरतो धीर धीरोधतः कथितः। साहित्य दर्पण है, दोबारा से सुनिए। यदि कोई विद्यार्थी नोट डाउन करना चाहता है कर ले, मैं कारिका संख्या बता दे रहा हूँ। छठे परिच्छेद का 33वीं कारिका है, माया परह प्रचंडश्चपलो अहंकार दर्प भूयिष्ठः आत्मश्लाघा निरतो धीरैर्धतो धीरैर्धीरोद्धतः कथितः यथा भीमसेनादि। तो यहाँ जो बातें शिल्पकार ने कही हैं वही सारी बातें हमें यहाँ भी देखने को मिलती हैं। माया पर दशुपकार ने भी कहा है, माया छद्म परायणः प्रचंडः तो वहाँ कहा चंडः क्रोधी, चपलः उन्होंने क्या कहा चलः अहंकार उन्होंने भी कहा अहंकारी, दर्प वहाँ भी कहा दर्प मात्सर्य। तो सारे के सारे वही गुण हैं जो दशुपकार कहते हैं। आत्मश्लाघा निरतो, और इसके लिए दशुपकार आत्मश्लाघा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वे कहते हैं विकथना। दोनों का एक ही अर्थ है, विकथन का अर्थ है अपनी तारीफ स्वयं करने वाला, और आत्मश्लाघा निरतो का ही अर्थ है का अर्थ है सदा अपनी प्रशंसा खुद करने वाला। धीरे धीरोधतः, धीर जरूर होगा, धैर्य नाम का गुण सभी नायकों में पाया जाएगा, इसलिए कहा धीरे धीरोधतः कथितः धीरोधत्त कहलाता है। तो क्लियर हो गया। तो इन गुणों से युक्त करने रहने वाला नायक धीरोधत्त कोटि का नायक कहलाता है। तो ये चार प्रकार के नायक हो गए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, नेता के नायक के 22 गुण, और हमने पाया कि वह नायक तीन प्रकार का हो जाता है जिनमें सारे के सारे गुण पाए जाते हैं। वह नायक उत्तम कोटि का होता है जिसमें अधिक से अधिक गुण पाए जाते हैं, वह उत्तम कोटि का होता है जिसमें सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, कुछ कम गुण पाए जाते हैं, वह मध्यम कोटि का नायक होता है, और जिनमें अत्यल्प गुण पाए जाते हैं वह अधम कोटि का होता है। तो नायक के वहां तीन प्रकार हो गए, अब यहां कितने प्रकार, चार, तो इन दोनों को मिला दीजिए तो कितने प्रकार हो जाएंगे, 12 प्रकार। नायक के कितने प्रकार हो गए, 12, एक के तीन, नायक के तीन, उत्तम मध्यम अधम, और इसमें एक के चार, उत्तम के चार, मध्यम के चार और अधम के भी चार। कौन कौन से चार, धीरोदात्त धीरोधत्त धीर ललित धीर प्रशांत, चार उत्तम के भी, ये चार मध्यम के भी, ये चार अधम के भी। तो चार 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 कितने हो गए, 12 गुण हो गए नायक के। और इसके बाद हम नायक की एक अवस्था होती है श्रृंगार की अवस्था, इसके आधार पर पुनः उनकी उसकी चार अवस्थाएं होती हैं। तो नायक की संख्या कितनी हो जाती है, 12। अब उन 12 की चार अवस्थाएं, तो 12 चौका 48, नायक के कितने भेद हो गए, 48 हो गए। ये ध्यान रखने की बात है। तो अब हम वो नायक की चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उस पर भी थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। तो दशरूपकार कहते हैं कि वह नायक स, अब कारिका 6 पर आ जाइए, स दक्षिण सठोधृष्ट पूर्वाम प्रत्यन्याहृता, स दक्षिण सठोधृष्ट पूर्वाम प्रत्यन्याहृता, अर्थात पूर्वाम प्रति
दूसरे के प्रति, पूर्वम पहले की प्रति, यहाँ पूर्व का मतलब है पहले, तो पहली नायिका के प्रति अन्यान अपहृता, हृता अन्य नायिका के द्वारा, दूसरी नायिका के द्वारा जो आकर्षित हो जाए, वह नायक श्रृंगार की दृष्टि से चार प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा है, तो दक्षिण षठ धृष्ठ और एक और भेद आगे आ जाएगा अनुकूल, जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है, एक कारिका यहाँ पूरी हो रही है जाकर के सातवीं कारिका के साथ, स दक्षिण षठो धृष्ट पूर्वाम प्रत्यन्यया हृतः दक्षिणो अस्याम सहृदयः गूढ़ विप्रियेक्त छठः व्यक्तांग वैक्यतो धृष्टो अनुकूलस्त्वनेक नायिकः। यहाँ जाकर कारिका पूरी हो रही है, तो इसमें नायक श्रृंगार की दृष्टि से नायक की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। वो चार अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई, दक्षिण सठ धृष्ठ और अनुकूल, इसको लिख लीजिए। नायक की श्रृंगारी चेष्टाओं के, श्रृंगारिक चेष्टाओं के आधार पे नायक की चार अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं फिर से देख लीजिए, दक्षिण एक सठ दो धृष्ट तीन और अनुकूल चार, ये चार हो गए चार प्रकार। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, नायक के कितने प्रकार, 16 प्रकार, और उन 16 प्रकारों के पुनः चार प्रकार हो गए, तो 16 में चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 48 हो जाएगा, नायक के प्रकार 48 माने गए हैं। तो अब आ जाइए हम इसमें से देख लेते हैं, सबसे पहले दक्षिण है, तो दक्षिण नायक कौन है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। दक्षिण सब तो हम लोगों ने सुना है व्यवहार में, बातचीत में। देखिए दक्षिण शब्द जो है एक दिशा के अर्थ में आता है, दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन, लेकिन यहाँ दक्षिण का अर्थ है साउथ डायरेक्शन नहीं है, यहाँ दक्षिण का अर्थ है सरल उदार। तो अब जो नायक की यह अवस्था है सरल और उदार वाली, वो क्या है। अच्छा एक और बात, आप दक्षिण शब्द का डिक्शनरी में अमरकोश में अर्थ ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ यही अर्थ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिणो सरलोदार, दक्षिण वह है जो सरल है उदार है। तो दक्षिण नायक वह है, आप इसका लक्षण क्या करते हैं, दसु प्रकार इस पर आ जाइए। अस्याम, इसको यहाँ से छठी कारिका से कनेक्ट करके देखिए, पूर्वाम प्रति अन्या हृतः दक्षिणो अस्याम सहृदयः, दूसरी नायिका के आकर्षण में आ जाने पर भी, दूसरी नायिका से प्रेम हो जाने पर भी, पहली नायिका पूर्वाम प्रति, पहले की नायिका के प्रति जिसका व्यवहार सरल और उदार बना रहता है वह नायिका कहलाती है, वह नायक दक्षिण कहलाता है। क्लियर हुआ, एक नायिका पहले से है उसको यहाँ पूर्वाम कहा गया है, पहले वाली नायिका, और इसी बीच में दूसरी नायिका आ जाती है, नायक उसके प्रति आकर्षित है, लेकिन दूसरी नायिका के प्रति आकर्षित होने के बाद भी वह पहली नायिका की मान सम्मान आदर प्रेम में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहा है, तो ऐसा नायक क्या कहलाएगा, दक्षिण कोटि का नायक कहलाएगा। आचार्य भोजराज का नाम आपने सुना होगा, श्रृंगार प्रकाश उनकी रचना है, वहां पर वो क्या लक्षण देते हैं वो देखिए, यो गौरवम भयम प्रेमम दाक्षिण्यम पूर्व योषिति न मुंचन्त्य चितो अपि गेयौ असौ दक्षिणो यथा। फिर से सुनिए, यो गौरवम भयम प्रेमम दाक्षिण्यम पूर्व योषिति न मुंचन्त्य चितो अपि
असौ दक्षिणो यथा, अर्थात अर्थ लगा लीजिए कि जो नायक दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर भी पूर्व नायिका के प्रति, यह पूर्व नायिका के प्रति गौरवम न मुंचती, गौरव पुत्र नहीं त्यागती है, भयम प्रेमम दाक्षिण्यम, दाक्षिण्य उदारता, पूर्वयोषिति पूर्व नायिका के प्रति न मुंचती, नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है, अन्य चितो अपि, दूसरे जगह चित लग जाने पर भी, दूसरी नायिका में चित लग जाने पर भी उसको दक्षिण नायक गयो, उसको दक्षिण नायक मानना चाहिए। इसी बात को प्रश्न प्रकार ने किन शब्दों में कहा है, दक्षिणो अस्याम सहृदय, जो पूर्व नायिका के प्रति सहृदय बना रहता है वह नायक दक्षिण कहलाता है। औलोकार क्या लिखते हैं उनमें देखिए, औलोकार लिखते हैं यो अस्याम ज्येष्ठायाम हृदयन स व्यवहारती स दक्षिण, यो अस्याम ज्येष्ठायाम हृदयन सह व्यवहारती स दक्षिण, जो ज्येष्ठा के प्रति, ज्येष्ठा से मतलब है पहले की नायिका के प्रति, पहले वाली नायिका के प्रति हृदय के साथ, हृदयन सह व्यवहारती व्यवहार करता है स दक्षिण भवति, वह दक्षिण नायक होता है। अब यहाँ पर श्लोक के माध्यम से समझाया गया है इन गुणों को कि किस तरह से कोई नायक दक्षिण नायक कहलाता है और पूर्व नायिका के प्रति, पहली नायिका के प्रति उदार बना रहता है, दक्षिण बना रहता है, सरल बना रहता है। लेकिन हम उन कारिकाओं को आप लोग घर नहीं पढ़ेंगे श्लोक को, क्योंकि तो उसका वाचन, अर्थ लगाना और विश्लेषण इसमें काफी समय लगेगा, तो उसको छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा को एक बार देख लीजिए आप, येषु तु अनेक महिला समारागो दक्षिणः कथितः, इन नायकों में जिसका अनेक महिला के साथ समाराग है वह दक्षिण नायक कहलाता, अनेक नायिका मतलब पहले जो नायिका थी उसके प्रति अनुराग तो है ही है, जो दूसरी नायिका आई उसके प्रति भी उसका अनुराग बना रहता है, तो इस तरह वह दोनों के प्रति समान अनुराग लेकर के बैलेंस बनाकर चलने वाला होता है, इसलिए उसको हम दक्षिण नायक कहते हैं। तो अब हम इसके मुख्य बिंदु क्या हो सकता है दक्षिण नायक का, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अनेक पत्नियां होने पर भी दक्षिण नायक सबके प्रति समान अनुराग रखता है, पहला पॉइंट। अनेक पत्नियां होने पर भी दक्षिण नायक समान अनुराग रखता है, ये हो गया एक। दूसरा, दूसरी नायिका में आसक्त होने पर दक्षिण नायिका, दक्षिण दक्षिण नायक पहली नायिका के प्रति प्रेम भाव बनाए रखता है, दूसरी नायिका में आसक्त होने पर भी दक्षिण नायक पहली नायिका में प्रेम भाव बनाए रखता है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, दक्षिण नायक पहली नायिका के प्रति किसी प्रकार की विकृति नहीं प्रकट करता है, वह उसके प्रति उदार ही बना रहता है, और पहली नायिका दक्षिण नायिका के पर नायिका प्रेम विषय नहीं जानता, बड़ी चालाकी से उसको छुपाए रखता है, इसलिए पहली वाली नायिका को पता नहीं चलता कि वह किसी और नायिका से भी प्रेम कर रहा है, वह छुपा करके रखता है। तो यहाँ तक दक्षिण नायिका हो गया। अब दूसरा आ जाइए, सठ गूढ़ के कृत छठ, सठ नायक कौन सा है, तो कहा जो गूढ़ है मतलब छुप कर अप्रिय करने वाला है उसको हम सठ नायक कहते हैं। किसका प्रिय करता है, पहली नायिका, तो उसकी पहली नायिका है उसका वह अप्रिय कर रहा है, कैसे अप्रिय कर रहा है, तो छुप करके बता नहीं रहा है, छुप करके उसका अप्रिय कर देता है। सठ का अर्थ क्या होता है, सठ का अर्थ होता है कुटिल हृदय वाला, निकृतस
त्वद्रिजुः अर्थात कुटिल हृदय वाला व्यक्ति सठ कहलाता है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि सठ नायक वंचक हृदय वाला होता है, ठगने वाला होता है। इसलिए आचार्य धनंजय ने बहुत सुंदर परिभाषा की है, ठगता है, मूढ़ है, विप्रिय कृतछठः, छुप करके पहली नायिका का अपकार करता है। विप्रिय का क्या मतलब है? अपकार करना, अहित करना, अर्थात धोखा देना। यानी कि इसको और स्पष्ट करते हैं, उसको देख लीजिए, दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विप्रिये कारित्वा विशेषे अपि सहृदत्वेन सठाद् विशेषः। क्या अर्थ निकला? कि दक्षिण नायक वह है नायिकांतरा अपहृत चित्ततया, नायिकांतरा अंतरा नायिका, दूसरी नायिका से अपहृत चित्त वाला है। अपहृत चित्ततया, चित्त का अपहरण हो जाने पर भी, अर्थात दूसरी नायिका से प्रेम करने पर भी, दूसरी नायिका के प्रति आकर्षित होने पर भी, विप्रिये कारित्व विशेषः, वह पहली नायिका का विप्रिय करना शुरू कर देता है, अपकार। देखिए इसको धोखा देना, आप बता नहीं रहे हैं, बिना बताए ही दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, उसको दुख नहीं हो रहा है लेकिन आप नहीं बता रहे, ये भी तो धोखा देना हुआ। तो ऐसे नायक को नाट्यशास्त्र में और दश रूपक ने सठ नायक कहा है, अर्थात सठ नायक पहली नायिका के प्रति उदार नहीं होता है, वह छुप छुप कर नायिका का अप्रिय करता है। साहित्य दर्पण का इसका क्या विवेचन करते हैं वो देखिए, कहते हैं कि जो एक जो नायक है जो दूसरी नायिका में अनुरक्त होता है और पहली नायिका में बाहरी अनुराग दिखावा, झूठा अनुराग दिखाता है और प्रचंड रूप से उसका अप्रिय करता है, ऐसा नायक सठ कहलाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात जो है अप्रियकारिता पर है, वह अप्रिय करता है, धोखा दोनों दे रहा है, दक्षिण भी धोखा दे रहा है, सठ भी धोखा दे रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? वह जो प्रेम व्यवहार है वो पूर्ण बनाए रखता है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता उसके मन में, यहाँ अंतर दिखने लगता है, दूसरे से अधिक प्रेम कर रहा है, तो पहली नायिका के साथ यहाँ अपकार हो जा रहा है। आचार्य भोजराज क्या मानते हैं इस बारे में, उसको भी देख लीजिए। सठ नायक उसको मानते हैं जो सामने तो प्रिय बात करता है और अन्यत्र दूसरी नायिका में आसक्त होकर पहली नायिका का अप्रिय करता है, सामने मीठी मीठी बातें करता है, वह प्रयास करता है कि उसका पर नायिका विषय अपराध पहली नायिका को पता ना चल जाए। इस तरह यह सठ नायक होता है। ये संस्कृत में लिखते हैं, प्रियो वक्ति पुरो अन्यत्र विप्रियं कुरुते भृशं मुक्ता मुक्तापराध चेष्टश्च सठो असौ कथितो यथा। कि वह पुरः प्रियो वक्ति, सामने तो प्रिय बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, अन्यत्र विप्रियं कुरुते भृशं, और अन्यत्र दूसरी जगह विप्रिय अप्रिय भृशं बहुत अधिक कुरुते करता है, सामने मीठी मीठी बातें करता है और परोक्ष में दूसरी जगह जाकर के वह हानि पहुंचाता है, दूसरी नायिका के संपर्क में जाकर नायिका का अप्रिय करता है। और इसके बावजूद मुक्त अपराध चेष्टा, अपने अपराध को छुपाता है, मुक्त अपराध का मतलब अपराध से मुक्त रहने की चेष्टा करता है, अपराधी नहीं कहलाने की चेष्टा करता, सठो असौ कथितः उसको सठ कहते हैं। इस प्रकार सठ नायक है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, मुख्य तीन चार बातें आ रही है सठ नायक के बारे में, पहली नायिका के रहने पर भी दूसरी नायिका में अनुरक्त रहता है, एक बात, दूसरी बात वह छुप कर दूसरी नायिका से प्रणय लीला करता है और पहली नायिका का अप्रिय करता है, तीसरी बात लिख लीजिए वह पहली नायिका से अपना अपराध छुपाना चाहता है, और चौथी बात है कि वह पहली नायिका के प्रति उतना उदार नहीं होता जितना दक्षिण होता है। तो इस तरह हम क्या पाते हैं, यह सठ नायक की के संदर्भ में मुख्य बातें हो गई। अब आइए धृष्ट, जो तीसरा प्रकार है नायक का,
वह कौन सा है? धृष्ट कोटि का नायक है। तो कौन है जो धृष्ट कहलाता है, उसको हम लोग देख लें। तो आचार्य दस रूपक, आचार्य धनंजय क्या देते हैं? व्यक्तांग वैकृतो धृष्ट, व्यक्तांग वैकृतो धृष्ट, धृष्ट कह भवति व्यक्त अंग विकृत, अंगों के विकार से जो व्यक्त कर दे। दूसरी नायिका के बारे में वह धृष्ट कहलाता है, जो दूसरी नायिका के बारे में बता दे। और कैसे बताए? वह जो दूसरी नायिका के बारे में बताए उसको हम क्या कहते हैं? जो दूसरी जो निर्लज होता है, धृष्ट का क्या अर्थ है? निर्लज होना। स्पष्ट है उसके आचरण में निर्लजता साफ साफ दिखती है, इसीलिए आचार्य धनंजय कहते हैं व्यक्तांग वैकृतो धृष्ट, अंग विकारों से वह अपनी धृष्टता, अपकार, दुष्टता को प्रकट कर देता है। ऐसा नायक धृष्ट कहलाता है। क्या अर्थ निकला? जो नायक दूसरी नायिका में अपनी आसक्ति को छुपाता नहीं है, बल्कि अंग विकारों के माध्यम से निर्लजता पूर्वक व्यक्त कर देता है, उसको हम धृष्ट नायक कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ है धृष्ट नायक का जो लक्षण करते हैं उसको भी समझ लीजिए। तृतीय परिच्छेद में 36वीं कारिका है, वहां आप देख सकते हैं, कृतागा अपि निःशंक तर्जितोपि न लज्जितः धृष्ट दोषोपि मिथ्यावाक कथितो धृष्ट नायकः। दोबारा से ध्यान से सुनिए, कृतागा अपि निःशंक तर्जितोपि न लज्जितः दृष्ट दोषो अपि मिथ्यावाक कथितो धृष्ट नायकः। क्या अर्थ निकला? कृतागा अपि, कृतागा का मतलब है अपराध करना, तो अपराध करके भी जो निःशंक, शंका रहित है, कोई डर भय नहीं जिसमें, तर्जितो अपि न लज्जितः, दूसरे के द्वारा तर्जित करने पर भी, भर्त्सना करने पर भी, आलोचना करने पर भी न लज्जितः, जो लज्जित नहीं होता है, जो शर्माता नहीं है। दृष्ट दोषे अपि, दृष्ट दोषे अपि, दोष के दिख जाने पर भी, पता चल गया कि वह नायक किसी और नायिका के प्रेम पास में बन चुका है, फिर भी झूठा सिद्ध करता है, नहीं नहीं झूठ बोलता रहता है, तो इसके लिए कहा दृष्ट दोषो अपि मिथ्यावाक, गलती दोष पकड़े जाने पर भी झूठ बोलता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। कथितः कहता है वह सह भवति धृष्ट नायकः, धृष्ट नायक होता है। तो इस प्रकार धृष्ट नायक के बारे में हम क्या जान गए कि वह अत्यंत निर्लज होता है, झूठ बोलने वाला होता है, दूसरी नायिका में आसक्त होकर पहली नायिका को अपनी आसक्ति प्रकट कर उसको दुखी करता है, परेशान करता है। यह धृष्ट नायक के बारे में हो गया। यदि हम इसको समराइज करें तो दो मेन पॉइंट्स बनते हैं, धृष्ट नायक दूसरी नायिका में अपनी आसक्ति को पहली नायिका को प्रकट करने में संकोच नहीं करता है, एक बार, वह मिथ्याभाषी होता है, पहले नायिका के द्वारा दोष देख लिए जाने पर भी झूठ बोलता है। तो मेन दो मुख्य बिंदु है इसके। अब आ जाइए इसके बाद वाले, जो अनुकूलस्तु एक नायिका, अनुकूल नायक कौन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो चौथी अवस्था है वह अनुकूलता की अवस्था है, जो अनुकूल रहता है पहली के, अर्थात सीधा सा इसका अर्थ है कि जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है वह नायक अनुकूल नायक कहलाता है। एक नायक के प्रति आसक्त, एक नायिका के प्रति आसक्त रहने वाला नायक अनुकूल कहता है। इसलिए कहा अनुकूलस्तु एक नायिका। कारिका देखिए, सातवीं कारिका,
अनुकूलस्तु एक नायिका, एक नायिका नायक अनुकूल भवति, जिसकी एक ही नायिका है, एक नायिका के प्रति जिसमें आ सकती है वह नायक अनुकूल कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ भी इसी को रिपीट करते हैं और कहते हैं अनुकूल एक निरत, अर्थात एक ही नायिका में अनुरक्त रहने वाला नायक अनुकूल कहलाता है। और अनुकूलतया नार्या सदा त्यक्त परांगन सीतायाम राम वत्सोयम अनुकूल स्मृत हो जाता। ये बात कही गई है श्रृंगार प्रकाश में, उन्होंने अनुकूल नायक का बहुत सुंदर लक्षण दिया है। कहा है अनुकूलतया नार्या सदा त्यक्त परांगन, पर अंगना को त्याग करके रखता है और अपनी नायिका के प्रति सदा अनुकूल बना रहता है, जैसे सीतायाम राम वत्सः, जैसे सीता में राम, ऐसा नायक अनुकूलः भवति, अनुकूलः स्मृतो। यह अनुकूल नायक की विशेषता हो गई। इन विशेषताओं को यदि हम समराइज करें तो क्या पाते हैं, एक नायिका में अनुरक्त रहता है यह अनुकूल नायक, दूसरी नायिका के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं दिखाता है, नायिका की चतुर्विध अवस्थाओं में सबसे उत्तम अवस्था यह अवस्था है, कौन सी अवस्था, अनुकूल नायक की अवस्था। तो इस प्रकार यह नायक प्रकरण हमारा संपन्न हो रहा है। तो अब नायक के कितने भेद हो गए, तो नायक के 48 भेद हो गए। एक बार दोबारा से समराइज कर लीजिए, 22 गुणों के आधार पे नायक के 3 प्रकार हुए, उत्तम मध्यम और अधम। 22 के 22 या 22 से भी अधिक गुणों को धारण करने वाला नायक क्या कहलाता है, उत्तम कोटि का नायक कहलाता है, और उससे कम गुणों को धारण करने वाला नायक मध्यम कोटि का, और बहुत कम गुणों को धारण करने वाला अधम कोटि का। फिर ये तीनों प्रकार के उत्तम मध्यम और अधम चार चार भागों में बट जाते हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। इस प्रकार चार 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 हो गए 12 भेद, और इन 12 भेदों के ये चार चार भेद हो जाते हैं, वो कौन कौन सा है, तो दक्षिण, सठ, दृष्ट और अनुकूल। 12 के चार चार भेद हो गए, 48 भेद हो गए। इस तरह नायक के कुल 48 भेद हो गए। इसमें थोड़ा हम क्रम परिवर्तन कर सकते हैं, पुस्तकों में अलग अलग क्रम में दिखता है कि नायक और अनायक चार भेद कर दिए जाते हैं, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त। अब एक नायक के चार प्रकार, इन चारों के पुनः इन चारों की चार चार अवस्थाएं हो गई, कौन कौन सी, तो दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल। तो कितने हो गए, 16, चार चार, एक के चार और चार है ऊपर, धीरोदत्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, एक के चार है तो चार चुका 16 भेद हो गए। अब इन 16 के फिर उत्तम मध्यम और अधम कर लेंगे आप, तो 48 भेद हो जाएगा। इस तरह इस नायिका के कितने प्रकार, नायक के कितने प्रकार हो गए, 48 प्रकार। ये प्रकरण हमारा पूरा हो जाता है। तो हम इसको भी कर लेते हैं, नायक के सहायक, नायक के सहायक के बारे में, नायक के सहायक के बारे में पढ़ते हैं कि नायक का सहायक कौन कौन होता है। तो दर्श रूपकार बताते हैं, हाँ इधर वाला, इसको पताका नायकस्त्वन्यः पीठ मरदो विचक्षणः तस्यावानुचरो भक्तः किंचित ऊनश्च तद्गुणैः। इससे देखिए, पताका नायकस्त्वन्यः पीठ मरदो विचक्षणः तस्यैव अनुचरो भक्तः किंचित ऊनश्च तद्गुणैः, अर्थात तद्गुणैः, नायक के गुणों से किंचित उड़ई, मतलब कुछ कम, कुछ न्यून गुण को जो धारण करने वाला होता है
वह नायक का सहायक कहलाता है। और कौन कौन हो सकता है? तो पताका नायक, पीठ मरद, अनुचर, भक्त, और भी सहायक हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक विद्यो विटश्चान्यो हास्यकृत विदूषक, अर्थात विट और विदूषक भी नायक के सहायकों की श्रेणी में आते हैं। तो नायक के सहायक कौन कौन हो गए? पताका नायक का नायक हम लोगों ने पढ़ा है, पता के बारे में, इत्रित के बारे में, इत्रित के दो प्रकार, आधिकारिक और प्रासंगिक का वस्तु। तो यहाँ जो प्रासंगिक का वस्तु के बारे में हमने अध्ययन किया, उस प्रासंगिक का वस्तु दो प्रकार है, पताका और प्रकरी। पताका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि उसका एक नायक होता है, प्रकरी के बारे में पढ़ा है कि उसका नायक नहीं होता है। तो जो पताका का नायक होता है, उस नायक का अपना भी फल होता है, और अपना फल के साथ साथ वह नाटक के नायक के फल प्राप्ति में मददगार होता है, मदद करने वाला होता है। तो नायक के फल में मदद करने वाला जो पताका नायक है, वह भी तो उसका सहायक हो गया, क्योंकि उसकी फल प्राप्ति में वह उसकी सहायता करता है। जैसे हम रामायण को ले लें, तो रामायण में विभीषण सुग्रीव इन दोनों का अपना प्रयोजन तो है ही है। सुग्रीव का उसको राज्य की प्राप्ति होती है, या क्या हुआ? उसका अपना प्रयोजन हुआ, लेकिन अपने प्रयोजन के साथ साथ वह राम के प्रयोजन सिद्धि में भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए सुग्रीव क्या कहलाएगा? नायक का सहायक कहलाएगा। अपने प्रयोजन की सिद्धि के साथ साथ नायक के प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, इसलिए वह नायक का सहायक। विभीषण का उदाहरण ले लीजिए, विभीषण को राज्य की प्राप्ति होती है, राज्य प्राप्ति क्या हुआ? नायक का स्वयं की फल प्राप्ति। परंतु उसके साथ साथ राम रावण युद्ध में राम की मदद करते हैं विभीषण, उनको रावण वध में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह प्रकरण क्या होगा? यह प्रकरण विभीषण क्या हुआ? नायक का सहायक कहलाएगा। तो पताका नायक भवति। इसी तरह एक शब्द आया है पीठ मर्द। नाटकों में इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोगों ने जो उत्तर रामचरितम पढ़ा है, मृषकटिकम पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, उन सब में किसी पीठ मर्द शब्द का प्रयोग नहीं आया है। परंतु किसी किसी नाटक में देखने को यह मिल जाता है। यहाँ पीठ का अर्थ है आसन और मर्द का अर्थ है संवहन, अर्थात उपनायक जो नायक के आसन को ढोने का काम करता है, अर्थात उसके प्रत्येक आदेश को मानने वाला होता है, उसको हम पीठ मर्द कहते हैं। ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद क्या कहा? अनुचरः। अनुचर में नौकर चाकर आते हैं, ये सारे के सारे राजा के सहायक होते हैं, राजा का भक्त भी हो सकता है। और दूसरा बताया उन्होंने विट और विदूषक। विट को भी कहा नायक का सहायक। विट कौन होता है? एक विद्या, किसी एक विद्या में जो निपुण होता है वह विट होता है। और हास्यकृत च विदूषक, जो हास्य उत्पन्न करने वाला होता है वह विदूषक कहलाता है। विदूषक के बारे में हमने जरूर पढ़ा है अभिज्ञान शाकुंतलम में, मांडव्य विदूषक है, स्वप्न वासव दत्तम में वसंतक विदूषक है। हम क्या पाते हैं कि जब जब राजा को राजा किसी संकट में पड़ता है तो वह विदूषक उसकी मदद करता है। विदूषक जब नाटक किसी गंभीर परिस्थिति में चला जाता है किसी घटना में, तो उसको
सरल बनाने का भी काम करता है। वह नायक का बातों को नोट डाउन कर लीजिए, यह परीक्षा में आ सकता है, नोट्स के लिए, टिप्पणी के लिए तो हमें सब लिखना पड़ेगा। वह नायक का मदद करने वाला ही नहीं होता, विश्वास पात्र भी होता है, वह नायक का मित्र भी होता है। और उसकी भूमिका जब नायक और नायिका की बात आती है तब बढ़ जाती है। कोई संदेश भेजना है, नायिका नाराज है, तब इन सब परिस्थितियों में विदूषक का महत्व बढ़ जाता है। वह विदूषक अपने हाव भाव, आचरण, वेशभूषा, वाणी आदि से हंसी का सृजन करता है, हास्य उत्पन्न करता है। तो विदूषक का नाटकों में बहुत अधिक महत्व है। अब एक दूसरा प्रकरण आ जाता है, प्रतिनायक। तो ये नायक प्रकरण हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ तक आते आते। प्रतिनायक होता है, जिसको विलेन कहते हैं आजकल हम लोग इंग्लिश में, जो नायक से ईर्ष्या करने वाला होता है, द्वेष करने वाला होता है, और नायक के फल प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न काम करने का काम करता है, वह पात्र प्रतिनायक कहलाता है। प्रतिनायक का लक्षण क्या दिया है दर्शरूपकार ने, उसको देखिए, लुब्धो धीरो धतः स्तब्धः पापकृत व्यसनी रिपुः। फिर से इस पंक्ति को ध्यान से देख लीजिए, लुब्धो धीरो धतः स्तब्धः पापकृत व्यसनी रिपुः, अर्थात वह लुब्धः भवति। लुब्ध इति पदस्य कः अर्थः भवति, लोभी, लोभ करने वाला होता है वह। और क्या होता है धीरोधत, यहाँ आया कि जो नायक है उसका दुश्मन होता है रिपु, धीरोधत्त, धीरोधत्त उद्धत गुणों वाला नायक का अपने लक्षण पढ़ा ना। तो नायक में आया था चार भेद, धीरोदत्त और धीरोधत्त। तो धीरोधत्त के लक्षणों से युक्त होगा, दर्प मात्र वाला, माया छद्म परायण वाला जो नायक होगा वह प्रतिनायक के रूप में आ सकता है। स्तब्ध रहने वाला, स्तब्ध रहने का मतलब है दुराग्रही, किसी बात को सुना उसके पीछे पड़ जाने वाला, उसमें तर्क और कुतर्क करने वाला दुराग्रही, किसी विशेष वस्तु के प्रति विशेष प्रकार का आकर्षण दिखाना दुराग्रह कहलाता है, तो वह दुराग्रही होता है। स्तब्ध का अर्थ है दुराग्रही। पाप करने वाला, व्यसनी, व्यसन करने वाला, और रिपुहु मुख्य नायक का शत्रु होता है, उसको हम प्रतिनायक कहते हैं। तो जैसे रामायण की बात करते प्रतिनायक कौन है, रावण है। महाभारत की बात करें तो वहाँ प्रतिनायक कौन है, वहाँ दुर्योधन प्रतिनायक है। तो इस तरह के गुणों से युक्त जो नायक होता है वह प्रतिनायक कहलाता है। औलूककार क्या कहते हैं, तस्य नायकस्तथम भूतः प्रतिपक्ष नायको भवति। वह उस प्रतिनायक का इस प्रकार से लोभ करके, दुराग्रही बन करके, पाप करके जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, सह प्रतिपक्ष नायक भवति, वह प्रतिपक्ष का नायक होता है, वह प्रतिनायक कहलाता है। यथा राम युधिष्ठिरयो रावण दुर्योधनौ, जैसे राम और रावण में से राम नायक हैं और रावण प्रतिनायक है। युधिष्ठिर और दुर्योधन में युधिष्ठिर नायक हैं और दुर्योधन प्रतिनायक है। इस प्रकार हम आज नायक के इस प्रकरण को संपूर्ण कर देते हैं। नायक का सामान्य गुण हो गया, नायक के जो भेद बताए गए हैं 48, उसका विवेचन हमने कर लिया। नायक के जो सहायक हैं उनकी चर्चा हो गई और प्रतिनायक की चर्चा हो गई। यह नायक प्रकरण है, आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं।